नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेन सिंह। आप देख रहे हो रामेन टेक एंड बैंकिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, अपने इस यूट्यूब चैनल माध्यम से लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक, ऐसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए, और खासतौर से उनके लिए जो हमारे भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करने में होता है या ऑफलाइन, अगर हम कहीं भी जाते हैं कैश लेके ना जाने की वजह, हम कुछ भी खरीदारी करते हैं, कोई भी किस्त हम EMI पे कोई भी चीज़ मंगाते हैं, तो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अब आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है, आप पे कुछ चार्ज लगाए जाएंगे, वो चार्ज कब से लगेंगे, तो इसके लिए SBI ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें आपको 1 दिसंबर से, अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे EMI वगैरह पे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप 1 दिसंबर के बाद से जब भी आप शॉपिंग करेंगे, जब भी आप EMI पे कोई भी चीज़ खरीदेंगे कोशिश करेंगे, तो आप पर 99 रुपये का चार्ज काटा जाएगा। 99 रुपये प्लस टैक्स, जो भी आपका टैक्स होगा वो प्लस 99 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तब जाके आप अपनी कोई भी चीज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी खरीदना चाहते हैं EMI वगैरह पे तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप जैसे कि अभी आप खरीदते थे आप पे कोई चार्ज नहीं कटता था, तो ऐसा अब नहीं है। स्टेट बैंक ने आपके SBI कार्ड पे, जो आपके क्रेडिट कार्ड पे, उस पर कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज अलाउ कर दिए हैं। वो ट्रांजेक्शन चार्ज आपके 99 रुपीज़ हैं प्लस टैक्स, आपके 99 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा, प्लस उसका टैक्स भी आपको पेड करना पड़ेगा। टैक्स जैसा आप जानते हो GST बोलते हैं, और GST लगभग 18% करीब पड़ती है, तो जो भी उसका होगा 99 प्लस उसका टैक्स जो GST होगी वो आपको अब पेड करनी पड़ेगी। लेकिन आपको जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी EMI वगैरह उसमें और आपके वो कैंसिल हो गया, तो आपके वो पैसे नहीं कटेंगे, तो वो आपके पैसे अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपके पैसे तभी कटेंगे जब आप उससे शॉपिंग करेंगे EMI पे। तो एक ये छोटा सा अपडेट था, अपडेट आपको देना जरूरी था। यदि अपडेट पसंद आया हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।